मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी वल्लरी, मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। यही हिंदी वल्लरी जो है आपके लिए पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए, उसके अंतर्गत पाठ संख्या 16वां का आज हम विस्तृत अध्ययन करने जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसका शीर्षक है रहा, रही, रहे। रहा जो है पुल्लिंग एकवचन के लिए, और रही जो है यह स्त्रीलिंग एकवचन के लिए, और रहे जो है बहुवचन में इसका प्रयोग जो है वाक्यों में किया जाता है। तो रहा, रही, रहे ये जो है यह आपको पता है काल के तीन प्रकार हैं, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्यत। तो वर्तमान में जो है सामान्य भूतकाल, जो क्रिया अभी चल रही है, जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरा बोलना जो है पाठ पढ़ाना नहीं हुआ है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ज़्यादातर रहा, रही, रहे जो है यह वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत यह से जो वाक्य हैं आते हैं। तो किस तरह आते हैं वह हम देखेंगे। उसके साथ साथ आपको संज्ञा का भी शब्द आएगा, उसके बदले में प्रयुक्त होने वाले, उसके जो है बदले में, उसके उसे हटाकर उसके जगह लेने वाले जो सर्वनाम का भी यहाँ पर प्रयोग होता है, और उसके बाद यहाँ पर लिंग वचन का भी ध्यान दिया जाता है। आप सभी इसे यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं, जो सरल वाक्यों को, और यहाँ पर चित्र सहित भी दिया है। उसके अंतर्गत किस तरह काल जो है, किस तरह जो होता है उसे भी हम क्रिया देखेंगे। तो चलिए, पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चा खा रहा है। बच्चा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो खा रहा है। खा रहा है यानी खाने का जो क्रिया है वह अभी चल रही है, खा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वर्तमान का जो है यह वाक्य है, और यह निरंतर जो है अभी चल रहा है, क्रिया जो खाने की क्रिया है वो चल रहा है, इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। और बच्चा खा रहा है, तो इसका उच्चारण कैसा करना है, बच्चा खा रहा है, खाने की क्रिया आपको दिख रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है। बच्चा का जो संज्ञा शब्द है उसका जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है उसके बदले में वह, यानी एक है इसीलिए जो है निश्चित है, इसीलिए वह रोटी खा रहा है। वह क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो वह रोटी खा रहा है, खाने की क्रिया जो है अभी संपूर्ण नहीं हुई। तो फिर से एक बार उच्चारण करेंगे, बच्चा खा रहा है, वह रोटी खा रहा है, इस तरह आपको उच्चारण करना है। खा रहा है, पी रहा है, खाने के जने यदि दूध होता तो बच्चा पी रहा है, वह दूध पी रहा है, ऐसे आप जो है वाक्य भी बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर खाने का क्रिया के बारे में हुआ। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, जो कोयल है वह पेड़ पर बैठकर जो है गाना गाती है, मधुर, आपको पता है कोयल गा रही है। कोयल का जो गान है अभी जो है प्रारंभ है, वह समाप्त नहीं हुआ। तो मैंने वही बताया, वर्तमान में जो अभी क्रिया चल रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए, कोयल गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है। यहाँ पर देखो, कोयल गा रही है, कोयल जो है संज्ञा शब्द है, उसके बदले में प्रयुक्त कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एक होने के कारण वह, आपको चित्र दिख रहा है, वह कैसे गाने गाती है, वह मीठे गीत गा रही है। गाने का यहाँ पर क्रिया आपने देखा, गा, गा जो है गाने का क्रिया है, तो जो है इस तरह फिर से हम उच्चारण करेंगे, कोयल गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है, ऐसे आपको जो है बार बार उच्चारण करिए ताकि आपको यह आसानी हो जाएगी। तो देखिए आगे, कोयल गा रही है, जैसे आप
यहाँ पर कोयल के जगह आप सीता लीजिए। सीता गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार मोहन गा रहा है। देखिए मोहन जो है पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए मोहन गा रहा है, वह मीठे गीत गा रहा है, ऐसे जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आप जो है हिंदी के अंतर्गत आप लिखते समय हो या बोलते समय हो लिंग का बहुत ही ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए आगे जो है वह बहुवचन के लिए है, जैसे नाना जी बड़े हैं आपसे भी, तो क्या होगा? देखिए नाना जी आ रहे हैं, आने की क्रिया है, वह घर को आ रहे हैं या दफ्तर को आ रहे हैं, पता नहीं, आ रहे हैं, तो नाना जी आ रहे हैं, आने की क्रिया है यहाँ पर जो अभी जारी है, रहे, ठीक है। वे हासन से आ रहे हैं, तो वे कहाँ से आ रहे हैं? हासन से। देखिए यहाँ पर एक वचन होने के कारण वह का प्रयोग किया, नाना जी बहुवचन होने के कारण जो है क्षमा कीजिए, बीच में कॉल आने की वजह से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ। तो चलिए नाना जी आ रहे हैं, वे हासन से आ रहे हैं। तो देखिए नाना जी की जगह आप दादाजी भी डाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दादाजी आ रहे हैं, वे मंगलूर से आ रहे हैं, जैसे बीजापुर से आ रहे हैं, ऐसे आप चाहे जो है उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और रहे या रहा या रही किस समय प्रयोग करते हैं, आपको यह भी ध्यान में रहना है। जो बड़ों के लिए आदर पूर्वक जो है रहे का प्रयोग होता है, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है एक वचन जो स्त्रीलिंग होता है उसके लिए रही का प्रयोग होता है, और एक वचन पुल्लिंग शब्दों के लिए रहा का प्रयोग होता है। तो एक बार इसका हम जो है उच्चारण करेंगे सभी वाक्यों का, मेरे साथ आप भी दोहराइए। बच्चा खा रहा है, वह रोटी खा रहा है, कोयल गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है, नाना जी आ रहे हैं, वे हासन से आ रहे हैं। इस तरह जो है आप यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्दों को भी ले सकते हैं या स्त्रीलिंग को, या आदर पूर्वक शब्दों को भी ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो या नेहरू जी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, उनके लिए जो बहुवचन आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे आप जो है वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस तरह आज हमने रहा रही रहे का अध्ययन किया। अभ्यास भाग में क्या है उसे अब हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है रहे रही रहा, तो रहे आदरपूर्ण के लिए और रही जो है स्त्रीलिंग के लिए और रहा जो है पुल्लिंग के लिए एक वचन में। तो देखिए क यहाँ पर दिया है, अनूप कपड़े बेच डैश डैश है, तो नीता गाड़ी चला डैश डैश है, बच्चे आंगन में खेल डैश डैश है। तो अनूप कपड़े बेच, यहाँ अनूप क्या है? पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में है, तो क्या होगा? रहे रही रहा में से सही है रहा का प्रयोग होगा। तो देखिए अनूप कपड़े बेच रहा है, जो बेचने की क्रिया है वह भी चल रही है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, नीता गाड़ी चला डैश डैश, तो नीता जो है यह स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो स्त्रीलिंग एक वचन के लिए क्या प्रयोग होता है? रहे या रही, तो सही है रही का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर नीता गाड़ी चला रही है, इस तरह आपको प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, देखिए बच्चे आंगन में खेल डैश डैश हैं, तो बच्चा वहां पर दिया था, बच्चा खा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे दिया है, बच्चा का बहुवचन रूप है बच्चे,
तो बच्चे बहुवचन का प्रयोग हम क्या करते हैं, रही करते हैं, रहा करते हैं, रहे, सही है, रहे का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो इस तरह जो है आज हमने 16वां पाठ के अंतर्गत जिसका शीर्षक था रहा, रही, रहे, इनका प्रयोग ज्यादातर जो है काल के अंतर्गत जो तीन प्रकार हैं वर्तमान, भूत और भविष्य में, वर्तमान के अंतर्गत सामान्य वर्तमान में जो क्रिया जारी रहती है उसके अंतर्गत रहा रही का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो है रहा से दो वाक्य बनाने हैं, रही से दो वाक्य बनाने हैं और रहे से दो वाक्य, यह आपके लिए गृह कार्य है। मैं आशा करता हूं कि आप यह पाठ के साथ साथ यह सभी जो है लिखकर जो है अभ्यास भाग लिखकर दो दो गृह कार्य वाक्य लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि यह सब आप लिखेंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।